पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 2x प्लस 3 रेशियो है, इसको अलग से ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, रेशियो 5x प्लस 4 तीन चार का त्रिक तीन गुना अनुपात है। अब इसको देखो, अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये शब्द अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे, गारंटी मान के चलिएगा। इसको कहते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। मैंने आपको लाइव सेशन में भी और बैचेस में भी इस चीज को कवर कराया है, समझाया है कि आपकी परीक्षा में ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, रेसिप्रोकल, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सभी तरह के पैटर्न पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ध्यान रहे कि जब भी कोई रेशियो दिया है एक्स और वाई के फॉर्म में, इसका जब हम ट्रिप्लीकेट करेंगे तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब हो जाएगा। ध्यान से इसको चीज समझ लीजिएगा, जब भी कोई रेशियो आपको, जैसे अगर मान लो 1:2 दिया है, इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, 1³ और 2³। बिल्कुल समझ लीजिएगा, 1:8 हो जाएगा। इसने हमसे कहा कि यह जो रेशियो है अर्थात 2x + 3 डिवाइड बाई जो 5x + 4 है, यह जो है 3/4 का ट्रिप्लीकेट है। ट्रिप्लीकेट है तो इसका मतलब क्यूब करिए, तो 3³ = 27 होता है, 4³ क्या होता है, 64 होता है। इसको हल करें और x का मान निकालें, इसको हल करें और x का मान निकालें। और उसने लास्ट में हमसे पूछा है x का वर्ग बताओ, तो x को x से ही डायरेक्टली काम नहीं चलेगा, ना तो किसी वैल्यू को डायरेक्ट आपसे पूछ रहा, सीधा सीधा इसने हमसे कहा x का मान नहीं, x के वर्ग को आपको फाइंड करना है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको हल करते हैं तो इसमें समय लगेगा, और इतना बड़ा गुणा करना, हालांकि इतना भी बड़ा नहीं है, 64 × 2 करिए, 64 × 3 करिए, हम करने को x का मान इजीली निकाल सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आसानी से करने के लिए आपको इसको ध्यान देना है, जैसे अगर इसका सही सही सिस्टम देखिए, 64 × 2 = 128x प्लस 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18 = 19, ठीक है, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18 = 19, यहाँ पर उधर चला जाएगा 27 × 5 = 5, 7 = 35, 5 × 2 = 10 = 13, 135x प्लस यहाँ पर 27 × 4 कर दीजिए, 4 × 7 = 28 और 4 × 2 = 8, 2 = 10, 110 हो गया। अभी क्या करिए, इसको उधर लेके जाए तो 7x हो गया, इसको इधर लेकर चले आए तो कितना हो जाएगा, 12 × 8 = 4 हो गया, 8 ही हो गया, x का मान 12 × 7 = 84, x की वैल्यू 12 हो गई। अभी 12 का वर्ग करेंगे तो 144 उत्तर आएगा, ठीक है, इस तरह से हमने किया। बट आपको ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, बहुत ही नॉर्मली आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे तो सबके सब वर्ग हैं x के, अर्थात x का मान इसका वर्गमूल 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है या 13 हो सकता है। अब आपको x की जगह पर ऐसा क्या पुट कर दें, रख दें कि वह वैल्यू 27 हो जाए, तो 2 × अगर मैं 12 कर देता तो 12 × 2 = 24, 3 × 27 हो जाता, अर्थात x का मान एग्जैक्टली 12 था। वहां से भी कन्फर्म करिए और यहाँ से भी, 5 × 12 करते तो 12 × 5 = 60, 4 × 64 होता कि नहीं होता। तो कितना आसान था डिफाइन करना, आपको पूरा करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सीधा सीधा भी आप बता सकते थे कि वह वैल्यू x की 12 होती तो x का वर्ग आपका 144 होता। तो अगर जिसने सी ऑप्शन को देखा है, समझा, वही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बता रहा है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मुख्य है ट्रिप्लीकेट अर्थात त्रिक तीन गुना, जिसको तीन गुना डिफाइन करना सोचना और ट्रिप्लीकेट सोचना, अक्सर लोग इसको तीन गुने में लेके कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। तो तीन गुना नहीं है बेसिकली, वो ट्रिप्लीकेट है, बट ये लिखा रहता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः अलग अलग इतने हैं, तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करो। तो पहली बात जान लीजिए, जब यह पेपर हुआ था इसको गलत सिद्ध किया गया था, और लास्ट में जब आंसर सीट आई थी, आंसर की आई थी, उसमें बताया था 85% नहीं, मैंने एज इट इज वहां पे रखवाया है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ये दरअसल 85% नहीं, ये औसत 85 है, जो पांच विषयों में उस बच्चे को 85 के औसत से अंक मिला है, ठीक है, 85 के एवरेज से अंक मिला है। 4 विषयों के अंक उसके दिए गए हैं 79, 81, 88 और 94, ये 4 विषय के अंक हैं, और इन सभी 5 विषयों की बात किया जाए तो औसत 85 है, करेक्ट। तो 5वें विषय में उसका अंक आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि औसत जो होता है वह योग बटा संख्या होता है, ठीक है, योग बटा क्या होता है, संख्या होता है। तो आपको जैसे औसत दिया है और संख्या पता है 5 विषय है, तो आप संख्या को औसत से गुणा करें, अर्थात 85 को 5 से गुणा करें तो योग ही आएगा, ठीक है, कितना आएगा योग, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 = 42, 425 टोटल एडिशन हो रहा है, लेकिन 5ों का है और मुझे 4 के सम पता है, 4 की वैल्यू अलग अलग पता है 4ों विषयों के,
अगर इनको जोड़कर उससे घटा दे तो आपको पांचवें विषय का अंक एग्जैक्टली पता चल जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो गया, 8 4 12 1 13 13 9 22 कैरी 2 और 7 2 9 8 17 17 8 25 9 क्या होता है 34, 342 हो गया। आप 425 से 342 को घटा दें, 5 से 2 आपका 3 होता है, 12 से 4 8 होता है 83। 83 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आप लोग सभी लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और कंफर्म कर लीजिए, 83 द राइट सोल्यूशन। क्लियर है, अगले प्रश्न पर आइए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, 25% ऊपर अंकित किया गया है। दो वस्तुओं के जो लागत मूल्य थे उससे 25% ऊपर अंकित किया गया है। लागत मूल्य कितने थे कंफर्म नहीं है, लेकिन जितना था उससे 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह से वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर तथा दूसरे को अंकित मूल्य से 10% की हानि पर बेचा गया। तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना था कि फाइनली कुल कितने प्रतिशत का लाभ एग्जैक्टली इस व्यापार में उसको हो गया। अगर हम दोनों की लागत को 100 और 100 माने, ठीक है, ये लागत है, हम एग्जैक्टली मान रहे हैं 100 और 100। हालांकि कुछ भी आप लेंगे तो आप लागत मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित किए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 25% अगर बढ़ा के अंकित किए हैं तो यह अंकित है 125 और 125। दरअसल लागत इतनी थी 100 और 100, बट आपने दिखाया 125 और 125 है। अब आपने क्या किया, इसको जो बेचा है 25% ऊपर अंकित किया था पहली वस्तु को, उसने क्या किया था 20% के लाभ पर बेचा था। कितने पर, 20% के लाभ पर। तो 20% का लाभ अगर इस पर कर देते हैं तो 20% जानते हैं आप लोग कितना होता है, 1/5 होता है, मतलब 125 × 6/5 कर दो, करेक्ट, 25 होता है, 25 × 150 कितने में बिका बोलो, 150 में बिका। इसको 10% की हानि पर बेचा गया है, 10% की हानि पर। आप चाहते तो डायरेक्टली बता सकते थे, अगर हम इसका 20% निकाल देते तो 20% वैसे भी इसका मान 50 आता, ठीक है, और इसका 10% की हानि 12.5 आती, 62.5 वैसे भी हो जाता, 200 से हम कंपेयर कर लेते, हमको डिफाइन हो जाता, क्लियर हो जाता कि क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे भी चलिए 10% की हानि, तो एक चीज और सीख ले रहे हैं आप, 125 × यहाँ पर 1/ कितना होगा, 10 में से 1 घटेगा, 9/10, ठीक है। अगर आप इसका सोल्यूशन करिए तो 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 4 = 22, 9 × 1 = 9, 2 क्या होता है 11 होता है ना, 9 × 2 = 11, बटे अगर 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 112.5, या 112.5 में बेचा गया है और यह आपका 150 में बेचा गया है। दोनों अगर जोड़ दीजिए तो कितने में बेचा गया है, 262.5 में, और खरीदा कितने में गया था, 200 में खरीद कर इतने में बेचा गया है 262.5 में, तो आपको फायदा कितने का हो रहा है, 62.5 का, गुणे कर दीजिए 100 / 200, क्योंकि लागत आपका 200 था ना कि 250 था। कुछ लोग डाउट में वहां भी जाएंगे, 2 से भाग करें, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 31.25% का लाभ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी देखिए सोच सकते थे, जैसे 20% का फायदा हो रहा था तो 20% का फायदा यहाँ पर 50 का, 10% का 12.5 का, 62.5 होता और लागत 200 थी, तो अगर 200 पर 62.5 है तो 62.5 का आधा 31.25 डायरेक्ट हो सकता था। अगर डिफाइन करते सोचते तो हमें उतना वक्त नहीं लगता जितना हम लोगों ने करने में लगाया है, हालांकि आप देखोगे तब भी आपको समझ में आ गई होगी बातें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए, क्या दिया है, 30% और 10% की दो अनुक्रमित मतलब सक्सेसिव छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई है, वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो दो लगातार छूट दी गई है, एक छूट है 30%, दूसरी छूट है 10%, और इसके बाद उस वस्तु को बेचा गया है 945 में। ये जो लगातार छूट दी जाती है जिसे क्रमिक छूट कहते हैं, इसके बाद अगर हम लागत मूल्य या विक्रय मूल्य को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो इजिली कर सकते हैं। दरअसल इसको पहले देखिए, इसको 30/100 अर्थात 3/10 लिख सकते हैं, इसे 10/100 अर्थात 1/10 लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे बनकर चीजें आएंगी, कहेंगे 10 में 3 घटा दें तो 7 होगा और 10 में 1 घटा दें तो कितना होगा, 9 होगा। ये लागत है दोनों में और यह विक्रय मूल्य है, ठीक है। इन दोनों का मान कितना है बोलिए, 100 है, और इन दोनों का मान कितना है, 63 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दिया है कितना, 945, और इसका मान हमको पता करना है, तो आप इसको डिवाइड करिए इससे। देखिए 9 × 7 = 63 होता है, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 होगा, 7 से डिवाइड करिए 15 होगा, 15 को 100 से गुणा कर दीजिए, लागत मूल्य एग्जैक्टली 1500 रुपए है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 1500 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, बी ऑप्शन करेक्ट है, 1500 नोट कर लीजिए, सही उत्तर है।
इस तरह से इसे प्रश्न को कर सकते हैं। हालांकि चाहते तो आप x लेते, 30% घटाते है ना, तब भी कर सकते थे, फिर 10% घटाते, बराबर 945 करते, तब भी चीजें डिफाइन हो जाती, उत्तर आ जाता। फिलहाल उत्तर आपके सामने है जो ऑप्शन नंबर बी में है। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। पांचवा नंबर देखिएगा, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, मूलधन ज्ञात करो। मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया जाता है, निवेशित किया जाता है, तो 2 प्रकार के ब्याज हमको प्राप्त होते हैं, सबको आइडिया है, एक साधारण, दूसरा चक्रवृद्धि। दरअसल साधारण क्या होता है, हर साल समान ब्याज प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने कोई दर निर्धारित करी, जैसे 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, मतलब जो ब्याज पहले साल बनकर आएगा वही दूसरे, वही तीसरे, वही चौथे लगातार चलता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, अपडेट होता है, वो क्रमिक पर बेस्ड होता है, अर्थात ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है। पहले साल तो जो साधारण होता है वही चक्रवृद्धि होता है, कोई फर्क नहीं आता है। दूसरे साल से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में फर्क आने लगता है, डिफरेंस आता है। जैसे अगर आप किसी को क्या करो कि कुछ पैसे अगर आपको किसी को देने हैं, आपके पास नहीं है, तो आप किसी से उधार ले लो और उसे कमिट करो, भाई तुम्हें हम ब्याज देंगे, लेकिन ब्याज जो तुम्हें देंगे वो साधारण की दर से देंगे, और उसी पैसे को इमीडिएट अपने दूसरे व्यक्ति को दे दो और उनसे भी बोलो भाई ब्याज देना है, आप हमें ब्याज दो, लेकिन आप ब्याज दो चक्रवृद्धि से। रिटर्न आपको प्रिंसिपल भी करना है, ब्याज भी करना है, लेकिन आपका ब्याज और उस ब्याज में, मतलब जो आपको देना है, जो आपको मिलेगा, उसमें फर्क है, और इससे इंसान बेनिफिट भी प्राप्त करता है। यहाँ पर दो वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है। मैं इसके लिए एक सूत्र आपको बता दूं, सूत्र भी लगता है, साथ साथ मैं इसको पैटर्न से भी हल करवा देता हूं, उससे भी क्लियर हो जाती है चीजें, ठीक है। जैसे अंतर होता है PR² / 10,000, ये होता है P मतलब मूलधन, ब्याज मतलब आप दर, मतलब R मतलब दर, और अंतर आपको जैसे 1 रुपये का दिया है, यही तो लिखा है ना, 1 रुपये का अंतर, 1 रुपये कम है तो 1 रुपये का अंतर है। मूलधन हमको पता करना है, आर अपना 10 है, 10 का वर्ग 100 होगा, देखो 10 है ना, 10 का वर्ग कितना, 100 बटे कितना, 10,000, 2 0 खत्म, ये 100 जाएगा उधर, मल्टीप्लाई होगा, तो P का मान आपका 100 रुपये हो गया, अर्थात मूलधन 100 हो गया। देखो इसको ऐसे भी हम लोग सोच सकते थे, जैसे अगर SI की बात होती है, तो ये जो साधारण ब्याज 10% है, या 10 और 10 मिलकर कितना होता, 20%। जबकि अगर यहाँ पर किसकी बात होती, CI की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका 10 है ना, क्रमिक पर बेस्ड होता, 10 + 10 + 10 + 10 × 10 / 100, अर्थात जब इसको कैंसिल कर लेते तो 21% का ब्याज आता। अब देखिए दोनों के बीच फर्क कितने का है, 1% का। 1% क्या होता है, 1/100 होता है। 1 का मान अंतर है, 100 का मान मूलधन है। जब 1 अंतर है तो 100 मूलधन है, और अंतर यहाँ 1 ही है तो मूलधन 100 होगा, और कुछ और होता तुलना करते तो। फिलहाल पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। इसके और भी तरीके हैं, मैंने क्लास में टेबल से भी हल करवाया है। साधारण ब्याज पहले साल का दूसरे साल का बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज हमने सोचा है, मूलधन हमने तैयार किया है, तो इसको हमने कराया है प्रॉपरली, आप लोगों ने किया है जो क्लास में पढ़े हैं, बाकी भी अच्छे से इसको समझ गए होंगे क्या होता है। देखिए उसी साल तुरंत एक प्रश्न और पूछा गया, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है वो नियमित आपका 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे देखो सेम डेटा, 10% की ब्याज दर है, 3 वर्ष की बात है, 2,000 रुपये यहाँ पर अंतर दे रखा है। साधारण देखो लिखा है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2,000 रुपये के लिए मूलधन पर, मतलब ये मूलधन है, ध्यान रखना अंतर नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर क्या है, देखिए मैं इसका फार्मूला आपको बता दूं, 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर होता है उसके लिए नियम आप समझो। जैसे 2 साल वाला मैंने लिखवाया तो 2 साल का क्या लिखवाया हूँ, PR² / 10,000, बिल्कुल लिख दीजिए ऐसे ही, PR² / (×) बस लिखो 300 + R / 100, 300 + R / 100, ये रूल होता है, ठीक है। अब आपको जैसे अंतर निकालना ही है, मूलधन पता है, जैसे कितना देखो 2,000, R² मतलब 10 का वर्ग 100 होता है, 100 लिखिए बटे 10,000 लिखिए, 10,000 लिखा प्लस इनटू है, देखिए लगा हुआ है इनटू 300 + R, तो 310 होगा, भाई 10 है 300 में जुड़ेगा, बटे 100 होगा, करेक्ट। देखिए 20 20 20 20 20, 10 10 10 10, 31 × 62, यही डिफरेंस होगा 62 रुपये, 62 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये तो फार्मूले से, फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो कैसे करेंगे, इसके लिए मैं बताता हूँ आप लोग को, ध्यान से देखिएगा।
ऐसे एक टेबल बना लो, एक टेबल बना लें, यहाँ लिखें SI, यहाँ लिखें CI, ठीक है, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा साल। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, सेम होता है, ठीक है, साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर होता है, जो पहले साल का साधारण ब्याज होता है वो पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होता है। जैसे आपको यह धन दिया है, धन कितना दिया है बोलो, धन दिया है 2000, कितना दिया है 2000, 2000 को अगर हम 10% इसका निकालें, क्योंकि ब्याज दर कितनी है 10%, तो आएगा 200, 2000 का 10% करिए 200 आएगा, 200 यहाँ भी हो गया, 200 यहाँ भी हो गया, और 200 यहाँ भी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और 200 यहाँ भी लिख दीजिए, 200 यहाँ भी लिख दीजिए। अब आप देखिए आगे क्या होने वाला है, आगे देखिए, अब आपको यहाँ पर इस 200 का फिर 10% करना है, 200 तो लिखना ही लिखना है, 10% और करेंगे तो 20 और आएगा, अर्थात यह 220 होगा, क्लियर है, फिर यहाँ 220 लिखिए, और इसका फिर 10% करिए तो कितना होगा, 10% करेंगे, देखो किसी का 10% करना बहुत आसान होता है, बस अंतिम पे एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए तो 22 होगा। अब अंतर निकाल दीजिए फटाफट, आंसर आ जाएगा, देखिए कैसे, यहाँ अंतर कितना है बोलो, 0 का, यहाँ अंतर कितना है 20 का, और यहाँ 22 और 20 अर्थात 42 का, 42 कैसे, देखो 200 पुत कितना हो जाएगा, 242 होगा कि नहीं, इसका इसका अंतर कितना है 42 का, 42 और 20 कितना होता है 62। तो आप दोनों में से किसी एक को जो समझ में आए उससे आप कर लीजिए, हालांकि फार्मूला देखिए तब तक अच्छा है जब तक फार्मूला याद है, नहीं याद होता है तो इस तरह के पैटर्न ही काम करते हैं जो इजीली आंसर बता देते हैं। बाकी दर का उपयोग करके कर सकते थे, 10% मतलब आपको पता है 30% हो जाता साधारण ब्याज में, और जो सतत बनता तो आपका सतत के हिसाब से भी चेंज करके देख सकते थे, तो आपके हिसाब से आपको जो सूटेबल पड़े उस हिसाब से कर लीजिए, ठीक है। सातवां नंबर नोटिस करिए, क्या प्रश्न है अच्छे से देखिएगा, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से, क्या है क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। तीन साझेदार हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ने लाभ का साझा किया, लाभ कमाया, लाभ को बांटा, व्यापार किया, लाभ को बांटा, कुल लाभ 3000 का होता है, ठीक है, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, जो एक्स का हिस्सा है जेड की तुलना में 400 कम है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 रुपए कम है, एक्स वाई जेड के लाभ का साझा करने का अनुपात बता दो। देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी समझो किसके ऊपर है, जेड के ऊपर, क्योंकि एक्स भी जेड से कंपेयर्ड है, देखो लिखा है एक्स जेड से 400 कम है, वाई भी जेड से 200 कम है, तो जेड को रखते हैं थोड़ा बीच में तो समझ में कुछ चीजें आए, एक्स को इस किनारे रख दिया, वाई को इस किनारे रख दिया, एक्स का मान अगर पी है, एक्स का मान पी है तो सॉरी एक्स यानी जेड का मान, तो एक्स का मान इससे 400 कम है, अर्थात पी माइनस 400 कर दो, करेक्ट, और वाई का मान जेड की तुलना में 200 कम है तो पी माइनस 200 कर दो। ये इनके पैसे हो गए, इनके पैसे हो गए तीनों के, तीनों जोड़ दीजिए और कुल लाभ हुआ कितना है, कुल लाभ हुआ 3000, कितना हुआ है 3000, छोड़ो सोचो कितना हो रहा, पी 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 3P और 200 400 600 माइनस 600 बराबर 600 बराबर 3600 हो गया, 3000 हो गया, तो 3P बराबर 3600 हो गया, 3600 अर्थात P बराबर आपका 1200 होगा, इतना हो गया, किसका मान 1200 आया बताएं, जेड का, तो जेड आया 1200, जेड आया 1200, वाई देखो कितना होगा, वाई क्योंकि रेशियो किसका पूछा है, एक्स वाई जेड सीक्वेंस ध्यान देना पड़ेगा, गलती से अगर यहाँ रख देंगे तो गलत हो जाएगा, जेड का मान 1200, वाई का मान 200 कम कर दीजिए 1000, और इसको 400 कम कर दीजिए एक्स को 800, अब काटिए पहले इनके जीरो सब गए, 2 चौके 8 होता है, 2 पंचे 10 होता है, 2 छंगे 12, 4 5 6 का अनुपात होगा, 4 5 6 ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है, 4 5 6 द करेक्ट रेशियो, ठीक है। सातवां प्रश्न आपका राइट सोल्यूशन है जो कि 4 5 6 है, आप लोग एग्जैक्टली समझ लीजिए, 7th क्वेश्चन आपके सामने हल हो चुका है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है, मदर फादर एंड 3 चाइल्ड, 3 बच्चे हैं, समझ रहे हैं, मदर एंड फादर एंड 3 चाइल्ड मतलब माता है पिता है और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 साल है, देखो माता पिता की संख्या कितनी है 2, औसत कितना है 36, तो माता पिता की आयु का योग कितना होगा 72। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे परिवार की औसत आयु पूछ रहा है और हमें अलग अलग ग्रुप का औसत दिया हुआ है, बड़े आराम से बता सकते हैं, जैसे आपको सबको पता है कि औसत का मान क्या होता है, औसत का मान योग बटा संख्या होता है, तो कभी अगर आपको योग निकालना हो तो औसत गुणे संख्या कर दो, परिवार में अगर माता पिता की औसत 36 है और परिवार में माता पिता की संख्या 2 है, 2 गुणे 36 कर दे, माता पिता की आयु का योग कितना हो गया 72, जो बच्चे हैं 3 उनकी औसत 10 है, बच्चे कितने हैं 3, औसत कितना है 10, योग कितना होगा बोलो 30,
ठीक है। अब अगर हमारे पास कुल सदस्य हैं पांच, तीन और दो मिला दे कुल सदस्य कितने हैं पांच, और योग बोलो कितना है, योग 70, 30, 100, 102, 102 टोटल योग है माता पिता और सभी बच्चे, पांच से कर दो भाग इन सभी का औसत, पांच दो ना 10, 20, 20.4 मतलब सभी परिवार में बच्चे माता पिता सब मिला दीजिए तो 20.4 औसत हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो आपने देखा कि माता पिता की आयु का योग 72 है, बच्चों की आयु का योग 30 है, जोड़ दिया तो 102 है, बटे कर दिया 5 है, 5 क्यों, क्योंकि संख्या कुल 5 है, तो राइट सोल्यूशन आपका 20.4 है। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर, ठीक है, 9वां देखिए, आराम से करते हैं इसको भी, पढ़ते हैं ध्यान से क्या है। 18 वस्तुएं 15 वस्तुओं की औसत कीमत पर बेची गई, 18 वस्तुएं हैं जो 15 वस्तुओं के औसत कीमत पर बेची गई, मतलब हर एक वस्तु के लिए 15 रुपए प्राप्त किया गया जब बेचा गया। 12 वस्तुओं की लागत प्रति कीमत 16 रुपए थी, मतलब जो 12 वस्तुएं खरीदी गई थी वो 16 रुपए की दर से खरीदी गई थी, ठीक है। जो बची 6 वस्तुएं थी, क्योंकि टोटल वस्तुओं की संख्या 18 थी, 12 वस्तुओं को खरीदा गया था हर एक वस्तु कितने रुपए में, 16 रुपए की दर से। जो बची 6 वस्तु थी उसको जो खरीदा गया था वो आपको पता करना उसका लागत क्या होगा यदि इस लेन देन में ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो, करेक्ट। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, यहां से हम प्रत्येक का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप देखो 18 की कीमत 15 रुपए है, 15 रुपए के हिसाब से है तो कुल कीमत 18 × 15 कर सकते हैं जो प्राप्त हुआ है, और उधर 12 को 16 रुपए के हिसाब से बेचा गया तो यहां से कितना लगाया गया था और यहां कितना लगाया जाए। जैसे अगर आप सोचो तो आपको यहां से यहां का मल्टीप्लीकेशन करना चाहिए तो पता चला कितना प्राप्त हुआ। अब लगाया कितना, 12 × 16 और 6 × n दोनों हो जाए बराबर, जिससे कि ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। जैसे अगर हम सोचे टोटल लागत कितनी है 18 × 15, चलो देखिए अब ऐसे बताते हैं, दोनों से देख लीजिए, 18 × 5 = 90, 18 × 1 = 18, 900, 270 रुपए बोलो प्राप्त हुआ, करेक्ट। और जो प्राप्त हुआ मतलब बेच के प्राप्त हुआ, बेची गई है। अब इसको जो खरीदा गया था उसमें पहली 12 वस्तुएं किस दर से खरीदी गई थी, 16, मतलब कितना लगाया गया था, 12 × 72 = 2 = 7, 12 × 12 = 7, 192 रुपए लगाया गया था। अब इसने कहा कि जो बची 6 वस्तुएं हैं उसको किस दर से, खरीदा गया हो कि ना तो इस व्यापार में लाभ हो ना तो हानि हो। तो कब होता है ना तो लाभ ना हानि, जब लागत और विक्रय दोनों सेम हो जाए। विक्रय कितना, 270, 12 की लागत 190, तो जो हमारे पास 6 की लागत होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए पता है, 192 घटा दीजिए, घटाइए 10 से 2 = 8 होता है, 16 से 9 = 7, 78 होनी चाहिए, 78 होनी चाहिए, और वस्तुएं कितनी है 6 ना, तो 6 आपको पता है, 78 को 6 से भाग करो 13, 13 से गुणा करिए 13 × 78, जुड़कर आप जोड़ के देखिए दोनों का मान 270। अब इसको चाहे तो आप एलिगेशन से कर सकते हैं, कैसे देखिए, सबसे पहले क्या कर लो, 12 वस्तु थी और उसकी औसत लागत क्या थी बोलिए, 16, 12 वस्तुओं की औसत लागत 16 थी, करेक्ट। बची कितनी वस्तुएं, 6, 12 वस्तुओं की औसत लागत 16 थी, बची 6, इसका औसत लागत हमको नहीं पता है। टोटल जो औसत लागत है, क्योंकि हमको ना लाभ मिला है ना हानि, तो 15 ही मान लो, क्या मान लो, 15। एलिगेशन कैसे होता है, इसका इसका डिफरेंस, इसका इसका डिफरेंस, रेशियो इसी के बराबर था, 6 × 6 = 12, करेक्ट है ना। इन दोनों का फर्क 1 का है, इसका फर्क क्या होगा, देखो ये ज्यादा है कम है, तो यह ज्यादा होगा या कम, अर्थात 15 − n। अब लिखिए 15 − n/1 बराबर 2/1, खत्म कर दीजिए, अर्थात n बराबर बोलो 13 हुआ कि नहीं, तो 13 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 13 होगा। अर्थात उन 6 वस्तुओं को आप 13 की दर से खरीदे होते तो इस व्यापार में ना तो कोई फायदा होता ना ही कोई नुकसान होता। ये प्रश्न आपका डन हुआ। 9 नंबर, 10 पर आ जाइए। ये 8 दिनों में क्या करता है, कोई कार्य कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, सी वह काम कितने दिन में पूरा करे, यदि तीनों मिलकर करते तो 3 दिनों में कार्य पूरा हो जाता। देखो ए कर सकता है कितने दिन में, 8 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं बताइए, ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं 3 ही दिन में। भाई ए अकेले करेगा तो 8 दिन, बी के साथ बी अकेले करेगा तो 12 दिन, जबकि अगर सी और ए और बी तीनों मिलकर कर लें तो 3 ही दिन में हो जाए। तो कार्य की मात्रा एक संख्या एक क्षमता बना लिया करो जो तीनों से कट जाए, तो 24 होगी टोटल वर्क, इनकी वर्क कैपेसिटी मतलब डूइंग द वर्क कैपेसिटी जो यहाँ पर बनती है, क्षमता जिसको कहते हैं, वो क्या होगी। क्षमताएं देखिए कैसे निकलती है
आठ तिरिक 24, इसकी क्षमता एक दिन में 3 कार्य करने की है, इसकी क्षमता एक दिन में 2 कार्य करने की है, जबकि तीनों की क्षमता एक दिन में 8 कार्य करने की है। अब सोचो इसको आप खुद ही देखकर समझ जाओगे कि अगर ए और बी की बात करो तो ये लोग एक दिन में 5 काम करते हैं, जबकि जैसे ही सी आता है एक दिन में 8 काम होने लगता है। इसका मतलब है सी ने योगदान दिया है 3 काम का, 5 और 3 मिलकर 8 हो जाता है, अर्थात सी एक दिन में 3 काम कर सकता है। और अगर हम इस काम को सी के भरोसे दे दें, कौन काम को, 24 को, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 8 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, करेक्ट है। तो 10वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन ए है, ऑप्शन नंबर ए, और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उतार सकते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाइए। 11 नंबर, चाल दूरी समय का एक आसान सा प्रश्न है। चाल दूरी समय में ध्यान से देखिए, एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं एवरेज स्पीड, औसत गति। बड़ा कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में, कभी कभी हमारे मन में आता है जैसे आपसे कोई पूछे जनरल किसी की औसत आयु क्या है, तो आप कहेंगे सर जितने लोग हैं सबकी आयु जोड़कर संख्या से भाग करो। हमने कहा औसत अंक क्या है, जितने अंक मिले सबको जोड़कर संख्या से भाग करो। किसी खिलाड़ी ने किस औसत से रन बनाए, जितने रन बनाए डिवाइडेड बाई उनको जोड़कर डिवाइडेड बाई मैचेस इनिंग से डिवाइड कर, तो पता चल जाता है। ऐसे अगर हमने कहा कि मान लो मैं किसी शहर से किसी शहर जा रहा था, पहले कुछ दूरी तक मैंने इस औसत से यात्रा करी, फिर इस दूरी से उस दूरी को इस औसत से यात्रा करी, फिर इसको किसी औसत से यात्रा करी, तो औसत चाल हमारी क्या हुई। तो कभी कभी मन में आता सभी चालों को जोड़कर संख्या से, अर्थात जितनी चालें थे उससे भाग कर दे, बट ऐसा करते हैं तो गलत होता है। दरअसल एवरेज स्पीड जो औसत चाल होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर, अर्थात कुल तय की गई दूरी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम, मतलब कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय, ये होता है औसत। कभी कोई यात्रा की औसत चाल कई वेरिएशंस देती है, मैं इसको क्लास में कराता हूँ और आप ये भी हो जो पढ़े होंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम ही एवरेज स्पीड होती है। अगर किसी प्रश्न में ये दोनों चीजें दी गई तो उससे सरल आसान प्रश्न हो ही नहीं सकता कोई, और इस प्रश्न में सच में बहुत आसानी दिया गया है। जैसे आप देखो, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, ठीक है, यात्रा करता है। अब आपको कहा गया है, जैसे आप ध्यान से देखिएगा मेरी बातों को, यहां पर आपसे कहा गया है कि बताओ कि औसत यात्रा मतलब औसत यात्रा क्या है, औसत चाल क्या है, औसत औसत गति क्या है उस यात्रा की। ये देखो दूरी है सबसे पहले 120 किलोमीटर, किस गति से तय करा बोलो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, किसी ट्रिक को मत लगाओ, नॉर्मल कर सकते हो, ठीक है। अगले 120 किलोमीटर पर गए और इसको किस गति से, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया, बोलिए एवरेज स्पीड क्या होगी। हमने कहा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल डिवाइड बाय टाइम टेकन, यहाँ समय कितना लगेगा 2 घंटे, हाँ यहाँ समय कितना लगेगा 3/2, 40 × 2 = 80, 40 × 3 = 120, 3/2 घंटे, अर्थात 1.5 घंटे, करेक्ट है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, एवरेज स्पीड अगर हम निकालने जाएं तो एवरेज स्पीड देखो लिखा है मैंने, टोटल डिस्टेंस 120, 220, 240, टोटल टाइम 1.5 और 2, 3.5, 3.5, करेक्ट है। चलिए करिए, बताइए क्या होगा, दशमलव हटा दे, शून्य बढ़ा दे, 7, 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, 5 × 8 = 40, 480 हो गया, 480 डिवाइड बाई 7 कर दो, 7 × 6 = 42, 6 × 48, 7 × 8 = 56, 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा, ए है एवरेज स्पीड, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। आसान सा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और ऐसे प्रश्न आपको मिले तो परीक्षा में आप जरूर कर लेंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन होता है, देखो चाल दूरी समय का 2 प्रश्न लगातार ऐसे ऐसे पूछ लेता है आप लोगों से, कभी कभी एक ही टॉपिक के 2 प्रश्न रिलेट कर देता है। 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है, गति मतलब स्पीड, 2 कार हैं, उनकी स्पीड ऐसे दिया गया, देखो एक कार 1 है और एक कार 2 है, दोनों की स्पीड कैसे लिखा है, इसकी स्पीड दिया है 10, तो इसकी स्पीड है 11, ये स्पीड मतलब चाल, अर्थात प्रति यूनिट समय, अर्थात प्रति घंटे तय की गई दूरी। कार जो पहली कार है वह 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूसरी कार की गति पूछा आप लोगों से, जो पहली कार है वह 500 किलोमीटर जाती है और 10 घंटे लगाती है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर दूरी बटे चाल, जिसकी चाल है 50 किलो, दूरी बटे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या है, चाल है, किसकी, पहली कार की। पहली और दूसरी कार की चालों का अनुपात दिया है, अगर इसकी चाल है 50 तो इसकी चाल बताए कितना होगा, भाई निकाल सकते हैं सीधा सीधा, रेशियो जब दिया हुआ है तो कुछ सोचने की आवश्यकता क्या, इसकी चाल डायरेक्ट नहीं दिया था बट हमको पता चल गया 50 है, तो 10 × 5 = 50 होता है, 5 को 11 से गुणा करें 55 हो जाएगा, अर्थात इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 12वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन ऑप्शन नंबर बी है। 13वां देखिएगा क्या है,
9 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिएगा, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, गोला मतलब गेंद, गोला मतलब गेंद, ये है गोला, ठीक है, ये गोला है जिसकी रेडियस कितना रखा है, 9 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ये देखो लिखा है, कह रहा है इसको सिलेंडर अर्थात बेलन में ब्रेक किया जा रहा है, ये देखो सिलेंडर अर्थात बेलन में ब्रेक किया जा रहा है, ये देखिएगा ये बेलन है। मैंने कहा 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई बताओ, सिलेंडर की ऊंचाई मतलब उसी गोले को पीट पीट के पिघला पिघला के बेलन बना दिया गया, मतलब धातु वही है, धातु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, शेप बदल गया, आकृति का जो बनावट थी वो चेंज हो गई, नाम बदल गया। तो यहां पर कभी भी कोई गोला होता है तो मतलब सेम जितनी धातु इसमें वही धातु वहां जाके बन रही है, इसकी रेडियस आपको पता है कि यहाँ पर चलो मान लो आर है और इसकी हाइट एच है, दरअसल सेम धातु सेम वैल्यू वहां जा रही है तो इनका आयतन उसके आयतन के बराबर होना चाहिए, इसका आयतन होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है यस, और इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, दोनों के आयतन बराबर होंगे तो उनकी वैल्यूज कंपेयर करके हम हाइट को जो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी कर सकते हैं। अब आप लिख सकते हैं देखो चार, पहले तो देखो कुछ पॉसिबल कैंसिलेशन, जैसे पाई पाई से खत्म होगा तुरंत हो जाएगा, 4/3 इसकी रेडियस कितनी है 9 है तो 9 का होल क्यूब बराबर आर, यहाँ पर 3 है ना, आर यहाँ पर कितना है 3 है और हाइट हमको नहीं पता, 3 का वर्ग गुणे कितना होगा एच, 3 × 9 होता है, इसकी एक पावर को खत्म कर देगा अर्थात 9 की पावर 2 बचेगा, 9 की पावर 2 मतलब 81 और 3 81 को डिवाइड करेगा 27 आएगा, 27 × 4 करें 4 × 7 = 28, 4 × 2 = 108, 108 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, इसकी बेलन की हाइट कितनी होगी 108 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन, करेक्ट है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं इस प्रश्न का करेक्ट हल आपका 13वें का कितना हो रहा है, बोले 108 हो रहा है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर 14, कहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के योग के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात करो। दो संख्याएं लेनी है, पहली वाली सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, ध्यान से देखिएगा सबसे छोटी 4 अंक की संख्या, किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या किसी कितने भी अंक की अगर निकालनी हो तो बहुत आसान, जैसे 4 बोला है, एक के बाद इतने जीरो लगा दो कि 4 अंक पूरा हो जाए, यह है सबसे छोटी, बट इसको किससे विभाजित होना है 6 से, कोई संख्या 6 से तब विभाजित होती है जब वह 2 से कटती है और 3 से, 2 से कटने का मतलब अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 हो, 3 से कटने मतलब अंकों का जोड़ 3 हो, जैसे ये तो कटेगा नहीं हालांकि 2 से कटेगा, 1 लगाएंगे तो 2 से नहीं कटेगा, बट जैसे ही मैंने इसको 1002 बना दिया, अब आप इस संख्या को नोटिस करिए 2 से कट रही हाँ, 3 से कट रही हाँ, क्योंकि 2 × 1 = 3 होता है, अंकों का जोड़ 3 हो गया, करेक्ट, यह संख्या आपकी परफेक्ट है, यही सबसे छोटी है जो 6 से कट जाएगी। अब उसके बाद 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लीजिए 1000, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और इसको किससे डिवाइड करना है 11 से, कोई संख्या 11 से कब कटती है भी जान लीजिएगा, जब हम कुछ ऐसे प्रेजेंट करें अंतिम के 3 अंक ले लें और इसको ले लें, इनका डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो यह संख्या 11 से कट जाएगी, यही बोला ना सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के अंकों का गुणन, मतलब पहले योग करना है फिर गुणनफल करना है। अब अगर हमको 11 से इसको काटना है, मतलब सेट करना है इसको काटने के लिए, तो मैं कुछ ना करूं बस देखो ऐसे कर दूं 1001 कर दूं, अब इससे क्या होगा पता है, नहीं यहां पर कितना कर दूं 10 कर दूं, अभी देखो ये अंतिम के 3 अंक, ये अंतिम के 3 अंक लाकर इसको देखिए यहां से 010 घटाइए तो 000 होगा अर्थात यह 11 से कट जाएगी, कौन सी संख्या ए वाली 10010, यह 11 से कटेगी, आप काट के देख लीजिए ठीक है, यह कट गई, इसके अंकों को जोड़िए कितना है 3, इसके अंकों को जोड़िए 1 1 2, 3 × कितना कर दो 2, भाई उसके अंकों का जोड़ 3 है उसके अंकों का जोड़ 2 है, 3 × 2 कितना होगा बताएं 6 होगा, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना हो रहा है 6, ऑप्शन नंबर सी है। तो 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है, आप लोग इसको देख सकते हैं उतार सकते हैं कन्फर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए 15 नंबर, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन बन सकता है अब तक का, सबसे छोटी देखो जैसे एक कनेक्टेड प्रश्न पूछा है उसी से रिलेटेड एक प्रश्न तुरंत दे दिया,
सबसे, आप ऐसे मान के चलो इस तरह से बनाया जाता है पेपर, सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या बनानी है उतनी बार नौ लिख दीजिए, ये हो गया सबसे बड़ी पांच अंक की संख्या। सबसे छोटी चार अंक की संख्या, एक के बाद क्या कर दो, तीन जीरो कर दो। सबसे बड़ी पांच अंक की संख्या, सबसे छोटी चार अंक की संख्या के बीच अंतर 1000 घटा दीजिए, घटा दीजिए 9 9 9 8 9। आपको पता है किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार 9 लिखने से आती है, किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या एक के बाद इतने जीरो लगा दो कि उतने अंक प्राप्त हो जाए। तो आपके पास यहाँ पर 9 8 9 8 9 8 9 9 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का हल है। तो 15वां क्वेश्चन आपका डन हो चुका है, क्लियर है। 16वें पर आ जाइए। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, जितने बच्चे थे सबको नोटबुक दिया गया समान रूप से, बराबर बराबर नोटबुक सबको दिया गया, कन्फर्म है, मतलब ये तय है कि सबको बराबर, अब कितना दिया गया नहीं कन्फर्म है, लेकिन सबको बराबर बराबर दिया गया। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी, मतलब जितने बच्चे थे उसका 1/8 भाग नोटबुक मिला है। जैसे अगर बच्चे 16 होंगे दो दो नोटबुक मिला है, ठीक है, 1/8 कर दीजिए, मतलब 8 से भाग करने से पता चला उतनी नोटबुक दी गई ना। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, मान लो बच्चे कम होते आधे होते, तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते हैं, प्रत्येक बच्चों को 16 नोटबुक मिलते हैं। अब कहा है कुल कितनी नोटबुक बांटी गई थी, मान लो नोटबुक की संख्या n है, ये नोटबुक की संख्या है, ठीक है, हमसे यही तो पूछा ना कितनी नोटबुक बांटी गई थी। अब यहां पर लेकिन ऐसे ना करो, हमसे नोटबुक की संख्या पूछा, रुक जाइए, सबसे बच्चों की संख्या लीजिए, बच्चों की, मैं एक चीज बता दूं, ऑप्शन से देखकर उत्तर बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कंफर्म करो बच्चों की संख्या कितनी है। बच्चों की संख्या भाई ऑप्शन से डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा, बच्चों की संख्या मान लो n है, नोटबुक कितनी बटी होगी बताएं, नोटबुक बोला कि n बटे 8, जितने बच्चे हैं उसका 1/8। अब मतलब प्रत्येक बच्चे को, ये तो नोटबुक प्रत्येक बच्चे को मिला है, एक बच्चे का नोटबुक है, प्रत्येक का है, ठीक है, टोटल नोटबुक कितना हो जाएगा बताएं, टोटल हो जाएगा n गुणे n बटे 8, अर्थात इतने नोटबुक बटे हैं, इतने नोटबुक बटे हैं। दूसरी तरफ कह रहा है अगर बच्चे आधे होते, बच्चे n बाई 2 होते, तो नोटबुक सबको कितना मिलता, 16, 2 8 16, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर नोटबुक कितनी बटी है, 8n, ठीक है, ये दोनों बराबर कर दीजिए भाई, नोटबुक तो बराबर ही रहेगा, n स्क्वायर अपान 8 बराबर 8n कर दीजिए, ठीक है, ये इससे खत्म हो गया, इधर चला जाएगा n बराबर 64, अर्थात बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 64, बच्चों की संख्या 64, नोटबुक कितने बटे हैं, 64/8, 8 8 64, 8 से गुणा कर दें, 64/8 कितना होगा, 512, अर्थात कुल कितनी नोटबुक बटी हैं, 512, 512 इस प्रश्न का हल है, ठीक है, 512 इस प्रश्न का हल है। और सोचिए यहां पर जो प्रश्न का उत्तर था ऑप्शन से वेरीफाइड था, कैसे, जैसे इसने पूछा कुल कितनी नोटबुक बटी है, कुल कितनी नोटबुक बटी है, तो अगर सोचो तो 1/8 बच्चों की संख्या, इसका मतलब 8 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, और 8 से कटने वाली संख्या ना तो ए है, ना तो ए है, ना तो ए है, यही है, आप देखें तो 8 से कटने वाली संख्या कौन सी है, हाँ ये 8 1 8 8 4 नहीं 8 4 12, ये भी कोई नहीं कट रही है, केवल एक संख्या। अगर इसको वेरीफाई करिए, मान लीजिए 512 नोटबुक बटी है, तो 512 नोटबुक बटी है, अब अगर हम चाहें तो इससे ही डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यही तो बोला था ना कि क्या बोला था, बच्चों को समान नोटबुक, प्रत्येक बच्चे को जो नोटबुक मिली है बच्चों की संख्या का 1/8 है, बच्चों की संख्या का 1/8, डायरेक्टली हम 8 से भाग कर देते बच्चों की संख्या आ जाती, बच्चों की संख्या आ जाती, आधा करके चेक कर लेते, 16 नोटबुक बांटते तब भी बराबर हो जाता, वही चीज है, डायरेक्टली आंसर आ सकता था आपका। 16वां प्रश्न राइट सोल्यूशन हो गया, 512 करेक्ट हल आपके सामने डी ऑप्शन में, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, यक्ष इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाता है, एक इमारत है, ये इमारत है, ध्यान से देखिएगा, अक्सर ये लगता है रीजनिंग का प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न आपके परीक्षा से रिलेट कर रहा है। यक्ष इमारत के बीच 11वीं मंजिल पर, मतलब नीचे से 11वीं मंजिल पर पहुंच गए, 11वीं मंजिल है ये, इसका नाम क्या है, यक्ष है, फिर क्या होता है, और 57 मंजिल प्रति मिनट की दर से, मतलब एक मंजिल को कवर करने में 57 मिनट लेते हुए वह ऊपर की तरफ मूव ऑन होता है, बढ़ता है, ठीक है, स्पीड है उसकी बन गई कि 57 मंजिल पर मिनट, अर्थात एक मंजिल पर पहुंचने में 57 मिनट लेता है, 57 क्या लिखता है, 57 मंजिल प्रति मिनट, अर्थात एक मंजिल तक, एक मिनट में 57 मंजिल कवर करता है, ठीक है, दर से ऊपर जाता है। उसी समय वाई उस मंजिल के 51वें तले पर, अर्थात 51वें मंजिल पर
लिफ्ट में जाता है और वहां से इसका नाम वाई है और यह नीचे आता है। और किस गति से आता है? 63 की गति से आता है। मतलब जैसे ध्यान से सोचिएगा, एक्स गया था कहां पर? 11वें मंजिल पर, और ऊपर की तरफ भागना शुरू किया किस गति से? 57 मंजिल पर मिनट की गति से। करेक्ट। वाई पहुंच चुका है 91वें मंजिल पर और वहां से उतरना शुरू कर दिया किस गति से? बोलिए 63 मंजिल पर मिनट की गति से। दरअसल ये प्रश्न ऐसे भी बनता है, जैसे मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, एक का घर और दूसरा दूसरे का घर, एक शहर और दूसरे शहर, जिनके बीच मान लो 200 किलोमीटर की दूरी है, इस पार और उस पार है। दोनों एक दूसरे से मिलने का निर्णय लेते हैं और एक ही समय अपने घर से निकलते हैं, और इस समय अगर देखोगे तो इनकी जो चालें हैं किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में एक चाले तय करें, मतलब तय करें, तो उनके बीच की दूरी निकालने का, कितने समय में एक दूसरे के मिलने का, यही तो पूछा है ना, कितनी मंजिल पर वे लोग मिलेंगे, किस मंजिल पर, यही पूछा है ना, तो किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी। यहाँ पर हो सकता है दो अलग अलग टावर थे, एक अपनी लिफ्ट से जा रहा है ऊपर, एक अपनी लिफ्ट से नीचे आ रहा है, ठीक है, किस मंजिल पर उनकी लिफ्ट एक दूसरे को पार करेगी, जहां पर एक्स और वाई अलाइन हो जाएंगे, ये आपको पता करना है। तो पहले उनके मिलने का समय तय करिए। ऐसी स्थिति में जब दो गाड़ियां, दो व्यक्ति एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करें, तो मिलने का जो समय होता है, ध्यान से देखिए वो क्या होता है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है बताओ, यहां से यहां तक 40 बटे उनकी चालों का योग। ये होता है जब विपरीत दिशा की बात होती है। यही जब समान दिशा में होता है तब भी दोनों के बीच की दूरी, जैसे चोर को पुलिस पकड़ता है दौड़कर समान दिशा में, तो उस समय उनके बीच की दूरी बटा चालों का अंतर होता है, पार करने में हेल्प करता है, जो पार करने में आपको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर 63 और 57 जोड़ दे, 120 हो गया, अर्थात 1/3 क्या होगा, मिनट का भाग, मिनट के एक तिहाई भाग में वे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। अब आप ये सोचो कि अब हमसे ये तो पूछा नहीं गया था समय, हमसे पूछा गया था किस मंजिल पर वे लोग मिलेंगे, तो चाहे अब इसको पकड़िए चाहे इसको पकड़िए, किसी एक को, जैसे 57 मंजिल पर मिनट की गति से ऊपर जा रहा था, तो सोचो एक तिहाई मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। 57 × 1/3 कर दीजिए, 19 मंजिल कवर कर लेगा, 11 मंजिल पर है 19 जोड़ दीजिए, तो 30वीं मंजिल रहेगी जब एक दूसरे को मिलेंगे। अगर इसको करना है 63 वाले को, तो 63 × 1/3 कर दीजिए, 21 आ जाएगा, इसमें से 21 घटा दीजिए तब भी 30 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 30वीं मंजिल होगी जहां पर वे दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगे। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 17वां क्वेश्चन आपका राइट सोल्यूशन बनता है। क्लियर है? तो 17th राइट सोल्यूशन आपका 30 मंजिल, मतलब 30वीं मंजिल पर वे दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। एक ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, हाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स के पास बैंक खाते में 100 रुपए 82 पैसे अर्थात 100.80 रुपए थे, शेष है 74.35 रुपया जमा करता है और 50 रुपए 17 पैसे निकालता है, इसके बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। पहले उसके बैंक में कितने पैसे थे बताइए, इतने थे, कितना जमा किया उसने सारी सेविंग मिलाकर 74.35, अभी कितना हो गया 5 × 2 = 7, 8 × 3 = 11, 4 × 1 = 7, 175 रुपए 17 पैसे हो गए। उसके बाद निकाल भी लिया उसने अपनी जरूरत के हिसाब से 50 रुपए 17 पैसे, 0 0 और यहाँ पर कितना 5 2 5, 125 रुपए बचे हैं। अब इतना सोचो, शौकीन है चॉकलेट खाने का, 5 रुपए वाली चॉकलेट खा लिया, 5 कर दो, खाते में पैसे नहीं है लेकिन 5 रुपए की चॉकलेट खानी है, तो 25 चॉकलेट खाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। तो 18 नंबर ऑप्शन नंबर सी है, 25 चॉकलेट खरीद लेगा उसके पास जितना खाते में अभी जमा शेष है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, वह छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 तथा 24 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो प्रत्येक विभाजित होती है तो प्रत्येक दशा में 8 शेष देती है। हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है, पहले ध्यान से देखिएगा, कभी जैसे शेषफल कब आता है, जब आप एक बार पर पहुंचते हैं उसके बाद वह उतना आगे होता है, उससे उतना आगे होता है। जैसे कोई संख्या आपको सोचनी है, सबसे पहले जो संख्या फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान से मेरी बात को सोचिएगा, 12 से, 20 से और 24 से पहला काम पूर्णतः विभाजित हो जाए। दरअसल इसको करने का तरीका यह है कि आप इन तीनों का एलसीएम लेकर के 8 जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये देखो, यही है एलसीएम, मतलब वह संख्या जो तीनों से कट जाए, तीनों से कटने वाली बहुत आसान संख्या 12, 20, 24 से 120 कट जाएगा। कौन कट जाएगा? 120, 12 दहम में 20 छक्के 24 पंचे 120 कट जाएगा।
लेकिन 120 से जब 120 को जब ये लोग विभाजित करेंगे तो शेषफल शून्य आएगा। मैं इसी में अगर 8 जोड़ दूं तो 128 वह संख्या होगी जो 12 से जब विभाजित होगा, 20 से होगा या 24 से होगा, हर दशा में शेषफल 8 देगा। तो राइट सोल्यूशन इसका 128 होगा। इसको डिविजिबिलिटी से भी चेक करा जा सकता था। कैसे? जैसे बड़ा नंबर होता तो सबसे 8-8 कम कर देते, 110 हो जाता, 120 हो जाता, 160 हो जाता, 200 हो जाता, करेक्ट। वह सबसे छोटी संख्या लेनी थी, सबसे छोटे से शुरुआत करना था, जो कि किससे कटे, जो कि 12 से कटे, जो कि 20 से कटे, जो 24 से कटे। 12 से कटने का मतलब 4 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, 4 से कटे, 8 से कटे, 3 से कटे। तो पहला काम 8 से चेक कर लो, 3 से चेक कर लो, 5 से कर लो। 5 से करने की जरूरत नहीं क्योंकि सब इंड में जीरो है, 5 से सब कट रहे हैं। 3 से कटने के लिए 2 1 3, ये देखो 3 से कट नहीं कटेगा, इसको खत्म, सॉरी 1 1 2 नहीं कट रहा है, 2 1 3 या 3 से कट रहा है। 3 से कटने के अलावा क्या 8 से कटेगा? हाँ कट रहा है, तो यही अपने प्रश्न का हल है। बाकी देखिए कोई 3 से नहीं कट रहे हैं, तो यही 120 के हिसाब से 128 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाता। 19 नंबर, 20 पर आइए, आपसे पाई चार्ट से रिलेट करता क्वेश्चन भी पूछेगा ऐसा, तो आपके सामने है देखिए 20वां नंबर। रेखा आरेख लाइन डायग्राम आपको दिया गया है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। क्या दिया है, क्या करना है, पढ़िए। रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्ष में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों के जारी किए गए पासपोर्ट की तुलना में ज्यादा थे। जैसे यहाँ पर पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में ज्यादा था, 1 वर्ष हो गया, ये कम हुआ, ये ज्यादा था, दूसरा वर्ष हुआ, ये ज्यादा हुआ, तीसरा। 3 ऐसे साल थे जहां पर पासपोर्ट की संख्या ज्यादा जारी हुई थी पिछले वर्ष की तुलना में। इसका उत्तर सीधा सीधा 3 वर्ष हो जाएगा, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा है बार आरेख 6 देशों की जनसंख्या घनत्व दिखाता है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी होता दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है, ये सब सही बातें हैं। देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का अनुपात बता दो। देश ए से देश एफ की जनसंख्या घनत्व का रेशियो बना दे। देश ए में कितना है, 50, और देश एफ में कितना है, 150। रेशियो बनाइए, 50 1 के 50 और 50 3 150, 1:3 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी 1:3। लास्ट क्वेश्चन 22वां नंबर आ गया है आज के सेशन का, यही अंत हो जाएगा, और इसको अच्छे से देख लीजिए क्या है। पाई चार्ट एक पाई चार्ट है, ठीक है। पहला पाई चार्ट क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा किए गए निवेश को लाख रुपए में दर्शाता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है। पाई चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए किए गए कार्य घंटों की संख्या में दिखाता है। जैसे ये निवेश दिखाता है कि कितना उन लोगों ने निवेश कितना कितना किया था। अगर मान लो 100% का निवेश होता है तो इनका 20% का योगदान, इनका 15, इनका 25, इनका 40% का योगदान है। कार्य कौन कितना करता है, ये भी ध्यान से देखिएगा। इसका कार्य 17% रहता है। अगर टोटल 100% कार्य होता है, इसका 17, इसका 33, इसका 25, इसका 25% कार्य होता है। अब इसने कहा कि इस कारोबार ने 24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया, कुल 24 लाख लाभ आया। कितना आया, 24 लाख। लेकिन होता क्या है समझिएगा, इस लाभ का आधा भाग, मतलब 12 लाख आधा भाग, आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में, 4 जो निवेशक थे उनके अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया जाना है, और बाकी आधा हिस्सा किए गए घंटों के अनुपात में डी को, मतलब यहां पर निवेशकों की तरफ जाएं, और बाकी मतलब 12 ही लाख जो हमारे पास किए गए कार्य के आधार पर रुपए में बंटवारा करते हैं, तो डी का हिस्सा कितना आता है। देखो दो चीजें हैं, जब कभी आप किसी व्यापार में निवेश करते हैं तो जिस रिस्पेक्ट में, जिस रेशियो में आप निवेश करते हैं, उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। जैसे 12 लाख रुपए लाभ हुआ है और डी का अगर हिस्सा सोचें तो डी ने कुल 20% कार्य, 20% का निवेश किया है, तो 20% अगर सीधा सीधा 12 लाख का कर दें, 20% तो 20/100 होगा, 20 × 100 होता है, 5 × 2 = 10, 2.4 लाख मिलेगा इसे। कितना मिलेगा, 2.4 लाख मिलेगा यहाँ से 12 लाख के हिस्से में। जबकि इसका सोचो, यहाँ पर दरअसल स्थिति दूसरी होती है। जब समय की बात, जैसे हम जितना ज्यादा समय हम खर्च करेंगे या जितना ज्यादा समय कार्य करेंगे उतना ज्यादा हमको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर जब समय की बात होती तो समय का जो रेसिप्रोकल होता है वो डिसाइड करता है कि आपका हिस्सा क्या है। तो ऐसे में हम मानते हैं जो डी वाला हिस्सा जो 17% है, हमें मानते हैं कि जो 12 लाख है ना वो 100% के बराबर है, 12 लाख 100% के बराबर, और इसका है 17%, तो 17% का हिस्सा क्या होगा। इसमें चेंज हो जाता है इस पैटर्न में, तो 12 × 17
बटे क्या कर दो 100। तो 12 सत्रह 84 होता है 4, 12 1 12 12 8 20 बटे कर दें 100, अर्थात 2.04। यहाँ पर 2.04 लाख मिला, वहां पर 2.4 मिला है, दोनों को जोड़िए 2.04 2.04 अर्थात 4.44 लाख रुपए का लाभ डी को प्राप्त होगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया है, पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है।